दोस्तों मुकेश अंबानी की एंट्री से कोला मार्केट में अब छिड़ा प्राइस वॉर। कैंपा कोला लॉन्च होते ही कोको कोला ने घटा दिए अपने दाम। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने बीते साल कोला मार्केट में उतरने के लिए डील की थी और बीते दिनों होली के ठीक बाद रिलायंस से 70 के दशक में सबसे फेमस ब्रांड कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च करने का ऐलान कर मार्केट में जोरदार एंट्री मारी। इसके बाद अब कोला मार्केट में प्राइस वॉर छिड़ गया है और दूसरी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा 2022 में प्योर ड्रिंक ग्रुप से कैंपा कोला की डील 22 करोड़ रुपए में की गई थी। इस सौदे के बाद पहले दिवाली पर प्रोडक्ट लॉन्च की योजना थी, लेकिन फिर इसे होली 2023 तक बढ़ा दिया गया। बीते दिनों 50 साल पुराने इस बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला को ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर में पेश किया गया है। इसकी सीधी टक्कर अब मार्केट में पहले से मौजूद पेप्सी, कोको कोला और स्प्राइट के साथ है। कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च होने के बाद कोला मार्केट में दबदबा रखने वाली दूसरी कंपनियों पर दबाव दिखाई देने लग गया है। इस बीच तापमान बढ़ने और सॉफ्ट ड्रिंक की मांग में इजाफा होने के चलते कोको कोला ने खास तौर पर ऐसे राज्यों में अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती का फैसला किया है जहां सबसे कम स्टॉक रखा जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी ने 200 ml की बोतल की कीमत में 5 रुपए की कटौती की है। दोस्तों जैसे कि हम बता रहे हैं, कोको कोला कंपनी के दाम घटाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो 200 ml की बोतल 15 रुपए में आती थी वह अब 10 रुपए के कर दी गई है। इसके साथ ही कोको कोला की कांच की बोतलों को रखने के लिए जो विक्रेताओं को द्वारा भुगतान की जाने वाली क्रेट डिपॉजिट को भी अब माफ कर दिया गया है, जो आमतौर पर 50 रुपए से 100 रुपए के बीच होता था। दोस्तों ये तो होना ही था क्योंकि कैंपा कोला स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में भारत का अपना ब्रांड है। प्योर ड्रिंक ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोको कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था। इसके बाद कोको कोला के देश से बाहर निकलने के बाद प्योर ड्रिंक्स ने खुद का ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च किया, जल्दी इस सेक्टर का टॉप ब्रांड भी बन गया था। इसका स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय था, जिसकी अब जोरदार वापसी हो चुकी है। दोस्तों ये तो होने था क्योंकि जब रिलायंस जियो ने एंट्री मारी थी उसके बाद बहुत सारे नेटवर्क थे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और बहुत सारे नेटवर्क जो छोटे मोटे थे वो बंद हो गए और आइडिया और वोडाफोन जैसे बड़े जाइंट जो थे, बड़े कंपनी थे, तो जो मर्ज हो गए। तो इसीलिए ना जब अब रिलायंस इसमें आ गई है तो आगे चल के पता नहीं कोको कोला और पेप्सी का क्या होगा, क्या पता ये आगे चल के मर्ज हो जाएं। क्योंकि अभी कैंपा कोला का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो तो वही रहेगी ना कि आप कम दाम में मार्केट में पहले ये प्रोडक्ट पहुँचाएंगे, उसके बाद वो प्राइस हाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट में अपना ब्रांड बना लेंगे और उसे तोड़ पाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो छोटी मोटी और भी ज़्यादा कंपनियां वो तो निकल जाएगी, बस पेप्सी और कोको कोला का ही मुकाबला होगा अब कैंपा कोला से, क्योंकि कैंपा कोला बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब जैसे ही रिलायंस लिया उसके शेयर भी बढ़े और लोगों के उस पर ना जो ट्रस्ट वैल्यू होती है ना रिलायंस से आती है, तो अब रिलायंस से उसकी ना कैंपा कोला पे ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़ेगी लोगों की। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या कैंपा कोला कोको कोला और पेप्सी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।